नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। रोजा गाजी मियां बाबा की मजार पर मेला। प्रयागराज के सोबतिया बाग स्थित दरगाह रोजी गाजी मियां पर सांची संस्कृति की अद्भुत मिसाल दिखी। हाजिरी लगाने और मन्नत मुरादों के लिए हर मजहब के लोग जुटे। दरगाह को फूलों और बिजली की झालरों से सजाया गया। दरगाह पर नजराना चढ़ाने और जियारत के लिए तांता लगा रहा। बारगाह में सजदे में हर कोई झुका। मुतवल्ली मुश्ताक हुसैन वारसी की देखरेख में कुरान खानी और कुल के फातिया के बाद चादर चढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। सैकड़ों वर्षों पुरानी दरगाह के चारों ओर मेले जैसे माहौल रहा। माला, फूल, अगरबत्ती, रेवड़ी, चादर बेचने वालों के अतिरिक्त महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन और बच्चों के खेल खिलौने की दुकानें सजी। खाने पीने की वस्तुओं की दुकानें भी रहीं। गाजी मियां के रोजे के अतिरिक्त हजरत हटीले शाह बाबा बहराना, जोधा परिहार, बड़े पुरुष और सती आमना की मजारों के पास भी सजदा के लिए अकीदतमंद जुटे। उन्होंने नजराना पेश किया, बोसा लिया और चादरें चढ़ाई। माना जाता है कि ये उन लोगों की मजारें हैं जो कड़ा की जंग के दौरान हजरत के साथ शामिल रहे या शहीद हुए। यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण इस स्थान को रोजा के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर हर साल मेला लगता है। उनकी दरगाह पर भी उसी तरह हिंदू मुसलमान मन्नत मांगने और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं, जैसे वे अपनी सूफी संतों की दरगाहों पर जाते हैं। रोजा मियां भी उस मिलीजुली संलिप्त संस्कृति के प्रतीक है, जिसे हम अक्सर गंगा यमुनी तहजीब या साझा संस्कृति कहते हैं। गाजी मियां की याद में मेले बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक गांवों और कस्बों में लगते हैं। यह दरअसल गाजी मियां का ही मेला है। ये मेले सदियों से लगते चले आ रहे हैं। रोजा बाबा की मजार हिंदू लाखों रुपये हर वर्ष इस पीर पर चढ़ाते हैं। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रोजा गाजी मियां पर प्रतिवर्ष जेठ माह के पहले रविवार को लगने वाला सालाना उर्स के बारे में। इलाहाबाद शहर से 3 किलोमीटर दूर रोजा गाजी मियां बाबा की दरगाह स्थित है। इस दौरान इस्लाम के प्रति उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे गाजी बाबा की उपाधि दी गई है और उसने उसकी कब्र को एक विशाल दरगाह और गुम्बद का रूप दिया है। सभी लोग इसे रोजा गाजी मियां बाबा को पहुंचा हुआ पीर मान लिया और उसकी दरगाह पर प्रतिवर्ष एक उर्स का आयोजन होने लगा और लोक गाथाओं में सती अमीना कहा गया। गाजी मियां को अपना भाई मानती हैं कि गाजी मियां की इस हिंदू बहन को अत्यधिक सम्मान देने के लिए उसे अमीना नाम दिया गया है और सती भी कहा गया है। यहां पर लोग सोते सोते आते हैं, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते वापस जाते हैं। इस मजार के मुतवल्ली मुश्ताक हुसैन सुबह से लेकर शाम तक बाबा के मजार पर रहते हैं। मुतवल्ली मुश्ताक हुसैन ने बताया कि पिछले 42 साल से वहाँ मुतवल्ली है। यह रविवार को सुबह से लेकर शाम तक लोग अपनी बाबा के मजार पर आते हैं और अपने परिवार के लिए दुआएं मांगते हैं। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। अपने दिल से तमन्ना से जो सोच कर यहाँ पर आते हैं उनकी सबकी मुरादें पूरी होती हैं। फूल, माला, चादर सब लेकर आएंगे, फल। गाजी सरकार के यहाँ सब कुछ चढ़ता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। मुर्गा बकरा सब चढ़ते हैं यहाँ पे। अपनी मुरादें जो लेकर आते हैं, जिनका पूरा हो जाता है वो सब सामान लेकर आते हैं। ना आए माला लीन, बाबा से हाथ जोड़ीन, पूछिन और उनको तो इजाज़त मिल जाती है, उनका काम हो जाता है। वो बेचारे फिर बाद में अपना जो हमसे आके पूछते हैं क्या क्या चढ़ता है बाबा जी, तो मैं बता देता हूँ कि भैया ये चीज़ लगती है कि अगर आपको हो सके तो चढ़ाइए, नहीं तो हो सके तो चादर पेश कर दीजिए और 100-100 ग्राम मिठाई ले लीजिए। फातिया मैं कर दूँ, आप जाइए सब बच्चों को खिलाइए। उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जिसका फ़ायदा होगा वो ब्याह शादी हुई सबके कारण आते हैं, जितने घर के वो आएंगे वो पूछेंगे बाबा जी के कारण मैं चढ़ा दूँ, हमारी बिटिया के सुकून से हो जाए। तो हम कह देते हैं भैया जो है अब इन चढ़ा दो, अब बिटिया के ऊपर से जाके 5.25 रुपया 11 रुपया उतार के चुप्पे इनके नाम से रख दीजिएगा। जब बिटिया विदा हो जावे तो जो अपने श्रद्धा से हो सके लिया करके बाबा को पेश कर दो, वो लेके आते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है। और जगह देखा गया है कि महिलाएं नहीं जाती हैं मजार के पास जी, यहाँ पे जो है महिलाएं पूरा जो है जी वो मजार पे महिला अपना जो है उनसे आशीर्वाद ले रही है। सैयद सलार मशहूर गाजी रहमतुल्लाह अलैह हर जंगे दरगाह पे औरतें मर्द सब जाती हैं। और ऐसे ही देवा शरीफ में भी है,
कि वहाँ भी औरतें मर्द जब जाती हैं, वो कन्हैया जी बन के दिखाई नहीं है शंकर जी का। ये जो त्रिशूल आप लोग कहते हैं, ये त्रिशूल हम लोग उर्दू लफ्ज में सांग है। सांग जो है लिया कर मिलवाएंगे हमसे, ले जा कर के वहाँ फूल माला चढ़ाएंगे, कढ़ी है, चावल है, दाल है, ये सब पकाएंगे, चने की दाल पकती है, और फूल माला फातिया करा करके वो अपने आप घर वाले खाते हैं, और जो लंगर करना रहता है उसको अलग रख के करते हैं, वो इधर उधर नहीं करते हैं। बाबा का बहुत बड़ा कर्म है, ऐसी बात नहीं है। घर से, मकान से, बहनों की शादी से, मैंने सब कुछ यहीं से किया है। लोग कहते हैं कि बाबा के मजार पे आइए दुखी मन से, जी जी हंसते हुए चले जी, बेशक हर इतवार के जो लोग आते हैं तो हर इतवार तक वो बहुत खुशहाल रहते हैं, उनकी कोई परेशानी नहीं रहती, न शरीर से, न कारोबार से, न घर परिवार से, कोई टेंशन उनकी नहीं रहती। तो आप कब से यहाँ पे? हम तो बचपने से अपनी दादी के साथ आ रहे हैं, मैं यहाँ से सिर्फ मिलता रहा। जी जी, क्या नाम आपका? मोहम्मद वसीम। को बहुत कुछ मिला यहाँ से, मेरे यहाँ खाने का नहीं था, कपड़ा जला जला के तो खाना बनाते थे, वो गरीबी थी। इस टाइम हम तीन बच्चों की शादी करके मुक्ति पा चुके हैं, अच्छी शादी किया है, छोटी मोटी भी शादी नहीं किया, और कुछ मांगते नहीं इनसे, अपने लिए नहीं मांगते, पब्लिक के लिए मांगते हैं, उनको दुआ देते हैं। और बाकी और दरगाहों में जो है देखा गया है महिलाएं नहीं जाती, हाँ यहाँ इस दरगाह में महिलाएं भी जो है आती हैं ना, तो गाजी सरकार दरगाह के अंदर नहीं घुसे रहते हैं, मस्जिद के अंदर मजार में नहीं रहते हैं, वो गुम्बज पे रहते हैं सरकार। औरतें लपटती हैं, औरतें छूती हैं, औरतों को वो छूने नहीं देते अपने आप को, वो ऊपर रहते हैं, गुम्बज के ऊपर रहते हैं, आप समझ गए, बड़े पुरुष हैं, वो हिंदू हैं, बाबा टीले हैं वो हिंदू हैं, बाबा बराना हैं वो हिंदू हैं, बाबा ये आपके ये क्या बोलते हैं पड़ियाल बाबा है ये हिंदू है, सती आमना जो है वो भी हिंदू हैं, वो शीतला बोली जाती हैं, हैं ये सब ठाकुर हैं, सोने के लंका रामण वाले हैं सब, ये सब खानदान के हैं ये लोग। गाजी सरकार मुसलमान थे, वो अपने बहन भाई सबको बना लिया देवी देवताओं को मिलके, समझ गए, और इसमें कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं है। और यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ईटा पत्थर था इतने बड़े बड़े। हमने भी गरीबों को जो भला करते हैं तो बोल देते भैया कुछ लगवा दो यहाँ पर, करवा दो, हैं वही सब दुआ हम लोग को लग रही है, और बाकी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम? मेरा नाम मीना।